अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं हूँ हसन कामरान। आपको इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी प्लान बन रहा था हमारा काफ़ी दिनों से दोस्तों के साथ ना, तो आज फाइनल हुआ है कि हम आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। तकरीबन ये ट्रिप होगा 8 से 10 दिन का और इसमें बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, खाने वाने बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आपको भी घुमाए फिरेंगे। तो चलते हैं, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कुछ घर के काम करने हैं और कुछ पैकिंग भी करनी है, वो तो लाजमी है, पैकिंग तो लाजमी है यार, लेकिन पहले घर के काम पूरे कर लें ताकि घर वाले बुरा ना मनाएं और हमें जाने दें। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने स्लीपिंग बैग्स उठाने हैं, क्योंकि वहाँ जो बिस्तर होते हैं वो इस काबिल नहीं होता कि उन पर रहा जाए और वो बहुत ही अजीब स्मेल होती है उनमें। तो ड्राई क्लीनर पर जा रहे हैं, वहाँ से अपने स्लीपिंग बैग्स उठाते हैं और फिर घर वालों का एक तो काम है वो करते हैं और फिर आगे आके फर्दर अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हमें एक स्लीपिंग बैग मिला है, दूसरा उन्होंने कहा है कि अभी ज़रा ड्राई हो रहा है तो उसको टाइम लगेगा, तो वो थोड़ी देर में आके उठाते हैं। अभी घर वालों के काम निबेड़ लेते हैं जो भी हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर दोस्त के फार्म पे, तो अभी यहाँ से आम लेते हैं, उनको पैक करवा के घर ले जाते हैं और फिर सुकून से अपना काम करते हैं। बारे नहीं होगा मां ने दिवाली में हर पानी तक पाली तक करना। दोस्तों आम हमने ले लिए और अब हम चल रहे हैं अपने घर और ये जाके घर देते हैं ताकि घर वाले खुश हो जाएं कि भाई हसन तो काम करके जा रहा है यहाँ से। तो दोस्तों सामान ही हमारा आ चुका है, शर्ट्स हैं, ट्राउजर हैं, पैंट्स हैं और ये एक जैकेट भी उठा ली है मैंने, तो अब चलें इनको पैक करते हैं। फाइनली दोस्तों हम रेडी हैं और हम निकल रहे हैं आज़ाद कश्मीर में भी है। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे, मुझे मिल रहा है कैमरे में देख के आने जाते हैं नन्ने और हमजा भाई। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इधर इस्लामाबाद, तो बस अभी आगे मुजफ्फराबाद के लिए निकलते हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तकरीबन ये सफ़र है 16 से 17 घंटे का, जिसमें से 7-8 घंटे का हमने कर लिया, तो अब जा रहे हैं बस, बहुत थक गए हैं यार। तो भाई अभी हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे हम भाई, मजा आ रहा है आपको? गलत बैठे हो, थोड़ा सा आगे चल के बैठते यार। कह दे यार सही है, दादा जी चाय का रेट भी पूछूं पहले। ये काम तो करके दे गए लेकिन मैंने पास खड़े होकर गर्म चाय आ गई, सफर की थकावट उतारेगी। दोस्तों मुजफ्फराबाद क्रॉस कर लिया हमने और अभी हम इधर पटेका के पास रुके हुए हैं, यहाँ पे हमने सोचा नाश्ता करें उसके बाद फिर आगे निकलें। बहुत थक चुके हैं, सारी रात ट्रैवल की है और अब जाके हमने थोड़ा रेस्ट लिया, तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं या नाश्ता वाश्ता करके बस फिर निकलते हैं। यार ये देखें कितना प्यारा व्यू है यार, पहाड़ों का और ये बादलों का और ये फुल ग्रीनरी यार, बहुत बहुत औसम यार, बहुत मज़ा आने वाला है यार आगे चल के। तो अभी हम मौजूद हैं इस टाइम LOC पर और ये देखें सामने आप इंडिया देख सकते हैं।
पहुंच चुके हैं यहाँ पे आज़ाद कश्मीर शारदा में ना, तो पहला हमारा स्टे होगा सुरगन वैली। शारदा पहुंच कुछ टाइम पियेंगे, उधर से एक दोस्त को पिक करना है और फिर सीधा सुरगन वैली। शारदा पहुंच चुके हैं और बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, उसके बाद कुछ सामान वगैरह लेकर सीधा सुरगन वैली जा रहे हैं ताकि रात में कुछ बनाएं और फिर वहाँ पे रेस्ट करें और फिर अगले दिन का प्लान करेंगे कहाँ जाना है और कब जाना है। चलो चलो ऊपर चलते हैं यार, अब जल्दी से चलते हैं अफजा भाई। एक तो यार यहाँ मिट्टी बहुत है ना, बहुत मिट्टी है यार। नहीं चलिए यार, गाड़ी में चल के बैठते हैं ना दोस्त। आ गया चलो यार, जल्दी से सामान वगैरह लो फिर चले यार, टाइम नहीं है बिल्कुल। टाइम शायद हो जाए सुरगन से। दोस्तों हम सुरगन वैली पहुंच गए और ये आप पीछे ये सुरगन वैली है। कुछ देर में हम यहाँ से निकलेंगे शारदा के लिए, वहां जाके नाइट स्टे करेंगे, खाना वाना बनाएंगे और फिर आराम करेंगे। सामान उतार रहे हैं, रूम में जा रहे हैं, फिर रेस्ट करेंगे, देखते हैं अभी खाना वगैरह भी बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं सारा दिन हमने ट्रैवल किया और शाम में हम आके इधर पहुंचे हैं, फिर खाना वगैरह बनाया और बस अब हिम्मत ख़त्म हुई हुई है और अब बस सोने लगे हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।